नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करूंगा। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की करप्शन को रोकने के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी की बात करें, बॉडी की बात करें, तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। इसको 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा। यानी कि जब ये ओरिजिनली बनी थी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन बाद में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 2003 में। ठीक है, तो 2000 पहले तो ये बनी एग्जीक्यूटिव बॉडी, 2003 में बन गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बनाया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल द्वारा, जिसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई 11 सितंबर 2003 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको बनाने की एक वजह यह है कि 1962 में एक संथनम कमेटी बनी थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो उसके रिकमेंडेशंस पे बनाया गया था। संथनम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगभग 1964 में दी थी, और उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना दिया गया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो मेन इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कंप्लेंट्स लेगी, और अगर कोई करप्शन के चार्जेस आए हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, और वो करप्शन के चार्जेस किसी पर्सन के थ्रू दिए गए हों या किसी विसल ब्लोअर के थ्रू दिए गए हों, तो इसमें इंक्वायरी कौन करेगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा फ्रेंड्स। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके साथ साथ ये वीडियो हिंदी में है फ्रेंड्स। अगर आप इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। तो अब देखते हैं, शुरू की कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, संथनम कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी, और करप्शन के चार्जेस में ये इंक्वायरी करेगा अगर कोई विसिल ब्लोअर करप्शन का चार्ज किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट लेके आया है। ठीक है, अच्छा, विजिलेंस के केस में ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंप्लीट कंट्रोल में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटीज होंगी उनको कौन मॉनिटर करेगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मॉनिटर करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में विजिलेंस एंगल से प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफॉर्मिंग, इन सब की अथॉरिटी किसके पास है? ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमिश्नर होगा जो कि चेयरपर्सन होगा, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। यानी इस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अलावा 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं हो सकते। इनको अपॉइंट कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करेगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये बोला जाता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेगा? तो एक 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेगा। इस 3 मेंबर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा उसका हेड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होगा, और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा होगा। तो ये 3 मेंबर की कमेटी जो कि रिकमेंडेशंस देगी प्रेसिडेंट को, ठीक है, इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा हेड, होम मिनिस्टर होगा, और लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा लोकसभा में। इनका जो टर्म होगा फ्रेंड्स वो होगा 4 साल का, या फिर इनकी उम्र हो जाए 65 साल। तो या तो ये 4 साल का टर्म होगा इनका, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 55 ईयर्स, तो जो भी पहले होगा उतना इनका टेन्योर होगा। और अपना टेन्योर खत्म के बाद करने के बाद ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब देखिए, अगर इनके रिमूवल की बात की जाए कि अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को या फिर विजिलेंस कमिश्नर को हटाना है तो किस बेसिस पे हटाया जा सकता है, तो इन केसेस पे इनको हटाया जा सकता है। आइदर वो एक इंसॉल्वेंट एडजेज किया जाए, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ओपिनियन में उसको किसी एक ऐसे ऑफेंस के लिए कन्वर्ट किया गया जो मॉरल टर्पिट्यूड को इन्वॉल्व करता हो, मोरालिटी को इन्वॉल्व करता हो, या फिर अपने ऑफिस की ड्यूटीज के बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हुए, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में माइंड या बॉडी से इन्फर्म हो, या फिर इन्होंने अपने ऑफिशियल फंक्शंस के बाहर कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट ले लिए हों जो इनकी ड्यूटीज़ को अफेक्ट कर सकते हों, उस पर गलत प्रभाव डाल सकते हों, और इसके साथ साथ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तो इससे पहले हम बहुतों में देख चुके हैं। तो इनको, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और दूसरे जो विजिलेंस कमिश्नर, उनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में भी निकाला जा सकता है। पर इन केसेस में निकालने के लिए प्रेसिडेंट को पहले मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट फिर इस चीज़ पे इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इनकी गलती है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से बोलेगा कि आप इनको हटा दें।
और फिर प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है। मिसबिहेवियर की गलती इनकी तब मानी जाएगी जब ये किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे इनको किसी तरीके का कोई प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और चूंकि अगर इनको किसी तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, पैसे मिल सकते हैं, तो इनकी लॉयल्टी उधर लाई करेगी, तो ये अपनी ड्यूटीज़ के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इसलिए इनको इस बेसिस पे निकाला जा सकता है। अच्छा, इनके अलाउंसेस, सैलरी कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस ऑफ सर्विस देखेंगे, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की जो सर्विस कंडीशन है वो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के इक्विवेलेंट होती हैं, और जो विजिलेंस कमिश्नर की जो सर्विस कंडीशन है वो मेंबर ऑफ यूपीएससी के इक्विवेलेंट होती है, और इनके अपॉइंटमेंट के बाद इनको इनकी पोस्ट से नहीं निकाला जा सकता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में उनका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में उनका सेक्रेटेरिएट होता है, और उसमें दो इंपॉर्टेंट विंग्स होती हैं, एक होती है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग और दूसरी होती है कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो ये जो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग होती है ना, ये लिखा हुआ है, तो जो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग होती है, ये टेक्निकल विंग होती है सीवीसी की, और टेक्निकल से आप समझ जाइए फ्रेंड्स, इसमें चीफ इंजीनियर्स होंगे, कुछ और इंजीनियरिंग स्टाफ होगा। इसका काम क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो कंस्ट्रक्शन टाइप के काम होते हैं उनका जो टेक्निकल ऑडिट होता है और उसमें जो विजिलेंस एंगल होता है उसमें ये लोग मदद करते हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ, तो कंस्ट्रक्शन एक टेक्निकल वर्क हो गया, तो टेक्निकल वर्क में ये समझने के लिए कि हाँ भाई कितना पैसा खत्म हुआ, क्या इसमें कुछ करप्शन हुआ, क्या क्वालिटी ऑफ मटेरियल गलत लगा, तो इस तरीके की चीज़ों को पकड़ने के लिए ये टीम मदद करेगी, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड तो बता ही दिया, खासकर सीबीआई कभी कभी कुछ ऐसे केसेस देखती है जहाँ पे उसको प्रॉपर्टीज़ के रेट्स के बारे में पता करना होता है, कुछ टेक्निकल मैटर्स देखने होते हैं, तो उस केसेस में चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने बड़े स्पेसिफिक टेक्निकल नहीं हैं, तो टेक्निकल एंगल से चीज़ों को वो देख पाएं थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उनको इस टेक्निकल एग्जामिनर विंग की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल मैटर्स जितने भी हैं उसमें चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग मदद करेगी। उसके अलावा जो दूसरी विंग था जिसका नाम था कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वो आप नाम से पकड़ सकते हो फ्रेंड्स, वो उन ऑफिसर से बनी हुई है जो कि इंक्वायरीज लेंगे, ओरल इंक्वायरीज लेंगे उन पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट में जिनको करप्शन के लिए चार्ज किया गया। तो ये दो विंग आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ फंक्शंस की हम बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फंक्शंस क्या है। तो देखिए जो सबसे पहला फंक्शन है फ्रेंड्स, तो वो तो ये है कि भाई अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी किसी अथॉरिटी के किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, जिसको पब्लिक सर्वेंट भी बोला जाता है, अगर कोई मैटर आता है और बोला जाता है कि ही इज चार्ज विद करप्शन, इसने कुछ गलत काम किया है, तो उसकी इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी होती हैं और ग्रुप ए सर्विसेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ में कुछ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स जिनको अलग से स्पेसिफाई किया जाता है, उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन चार्ज आता है उस पर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उस और वो करप्शन चार्ज इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो वो इंक्वायरी भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ही करेगा फ्रेंड्स। फिर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और सीबीआई, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी काम है, देखिए जब भी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और फिर जो सीबीआई, ये दोनों, और अभी जब मैं सीबीआई बताऊंगा ना तो आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और सीबीआई के बीच का फर्क भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से रिलेटेड जब भी सीबीआई या दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी भी ऑफेंस का, तो उस केस में उसके काम के ऊपर सुपरिटेंडेंस रखना, उसको डायरेक्शंस देना कि आप इस काम को इस तरीके से करिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट और सीबीआई की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के ऑफेंस की, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना, ये सब काम किसका है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है फ्रेंड्स। फिर देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर जब भी किसी हाई लेवल के पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट आती है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन लेने से पहले फ्रेंड्स जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ रही है, तो उस परमिशन पे क्या प्रोग्रेस है, परमिशन मिली कि नहीं मिली, इसको रिव्यू करना भी काम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसकी अथॉरिटीज़ को, ठीक है, कुछ ऐसे एडवाइसेस देना जो उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से मांगे हो। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी कभी क्या होता है, विजिलेंस मैटर में कुछ एडवाइसेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में भी जर्नलिस्ट लोग हैं,
तो वो एडवाइस किससे लेंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लेंगे। तो इस तरीके का कोई एडवाइस देना भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। विसिल ब्लोअर एक्ट के अंदर में भी जो कंप्लेंट्स आती हैं उनकी इंक्वायरी करना और साथ साथ विसिल ब्लोअर की जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना, ये भी काम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज़ में जो विजिलेंस का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, देखिए हर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी में एक विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया है जो कि उस डिपार्टमेंट का ही सर्वेंट होता है, पर वो रिपोर्ट करता है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। तो उसके काम के ऊपर सुपरिटेंडेंस रखना, उसको मॉनिटर करना, ठीक से देखना, ये भी काम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। फिर फ्रेंड्स ये होता है कि देखिए सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब भी कोई रूल बनाया जाएगा, कोई रेगुलेशन बनाया जाएगा, तो वो रूल रेगुलेशन बनाने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ मशवरा करेगी कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर में कुछ गलत काम हो रहा है तो उसकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी एक अथॉरिटी है जो इन केसेस को देख सकती है, उसके खिलाफ एक्ट कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट होता है ना, तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट में होगा ये कि एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, तो सिलेक्शन कमेटी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसका चेयरपर्सन होता है, तो बाकी दो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो उसके मेंबर होते हैं, उसमें सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग का सेक्रेटरी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उसका सेक्रेटरी होता है। तो ये सब उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देगा कि भाई डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट आप इसे बताइए, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इसे बताइए, यानी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट में डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट की रिक्रूटमेंट के लिए उस पर एक पर्सन को बैठाने के लिए जो कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी, उसका चेयरमैन होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, साथ साथ दो विजिलेंस कमिश्नर भी उसके मेंबर्स होंगे, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये सब उसके मेंबर्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, उसने कुछ हद तक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को अमेंड किया था और उस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ एडिशनल फंक्शंस दिए गए थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। वो एडिशनल फंक्शंस क्या है? देखिए सीबीआई में एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, तो उस डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जाता है, तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो अपॉइंट होगा उसकी अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन कौन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देगा। ये पहली चीज जो लोकपाल एक्ट के थ्रू जोड़ी गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन होगा उस कमिटी का जिसमें दो विजिलेंस कमिश्नर भी होंगे, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स भी होगा और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग भी होगा। तो ये पूरी एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन होगा, दो विजिलेंस कमिश्नर होंगे, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग भी होगा। तो ये सिलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सीबीआई के अंदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स की जगह पे कौन अपॉइंट किया जाए। बस ये कमेटी डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई पे जो अपॉइंट होगा उसकी रिकमेंडेशन नहीं देगी, बाकी डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई के नीचे और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल और उससे ऊपर की जो भी अपॉइंटमेंट होगी सीबीआई में उसको ये कमेटी रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कमेटी में कौन कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है एज अ चेयरपर्सन, दो और विजिलेंस कमिश्नर है, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। फिर कमीशन को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, इस लोकपाल एक्ट 2013 लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कहना चाहिए, तो इसको लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पे भी मैंने वीडियो बनाई है, जाके देखिए, लिंक मुझे याद रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस कमीशन को ये भी पावर दी गई है कि भाई लोकपाल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी ऑफिसर से रिलेटेड कोई इंक्वायरी अगर देता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, तो उसके लिए एक अलग से डायरेक्टोरेट ऑफ इंक्वायरी बनाया जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, और ये डायरेक्टोरेट ऑफ इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जिस हिसाब से लोकायुक्त या लोकपाल ने उनसे कहा है इंक्वायरी करने को, ठीक है। तो ये भी एक जरूरी चीज है फ्रेंड्स। फिर अगर आप ज्यूरिसडिक्शन की बात करें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन किसके किस पे जाता है, तो भैया यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं या फिर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके अगेंस्ट में जो भी इंक्वायरी होगी उसमें ज्यूरिसडिक्शन होगा।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्केल फाइव के ऊपर के ऑफिसर या स्केल फाइव से और या स्केल फाइव से ऊपर के ऑफिसर्स का जो इंक्वायरी का ज्यूरिसडिक्शन होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड डी या उससे ऊपर, आरबीआई और सॉरी सिडबी नाबार्ड और आरबीआई में ग्रेड डी या उसके ऊपर के ऑफिसर्स का जो अभी विजिलेंस केसेस होंगे कौन टेकअप करेगा, ऑब्वियसली बात है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टेकअप करेगा। फिर शेड्यूल ए और शेड्यूल बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ई एट से ऊपर के जो भी ऑफिसर्स हैं या फिर जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं बोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स उनका केस भी सीबीसी लेगा। फिर शेड्यूल सी और डी पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी सिमिलर चीफ एग्जीक्यूटिव्स या बोर्ड के एग्जीक्यूटिव से ई सेवन और उसके ऊपर के ऑफिसर्स का भी जो केसेस होंगे वो सीबीसी लेगा। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में मैनेजर के ऊपर के अबव के जो केसेस होंगे सीबीसी लेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सीनियर डिविजनल मैनेजर्स और उनके ऊपर के ऑफिसर्स के केसेस भी सीबीसी लेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेवन्थ पे कमीशन से पहले जो ग्रेड पे चल रहा था उसमें 8700 ग्रेड पे के ऊपर जो भी ऑफिसर है उसके करप्शन का केस भी आपका सीबीसी ही लेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई फ्रेंड्स। इसकी वर्किंग की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में है, इसके पास अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने की पावर है, ठीक है ना। इसके ये एज अ सिविल कोड पार कर काम करता है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इनका एक जुडिशियल कैरेक्टर होता है। तो अगर वो जुडिशियल कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स तो अपने प्रोसीडिंग के दौरान वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है ना, और या उसकी अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई रिपोर्ट मांग सकते हैं, विजिलेंस का काम और एंटी करप्शन का काम भी देख सकते हैं उन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब भी किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट सीबीसी के पास आती है तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीसी ये एडवाइस भी कर सकता है कि ऐसा ऐसा करें तो करप्शन को कम किया जा सकता है, चीज़ों को और स्ट्रीमलाइन और स्मूथ किया जा सकता है। इस तरीके के एडवाइस रेगुलरली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक हो। और देखिए सीबीसी के एडवाइस भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाए नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मान लेती है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एडवाइजेस को नहीं माना है तो गवर्नमेंट को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बताना पड़ेगा कि आपने रिटन करके लिखित में बताना पड़ेगा कि आपके एडवाइजेस को हम क्यों नहीं मान रखे। और प्रेसिडेंट को एनुअली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपनी एक रिपोर्ट देगा, ठीक है, कि उसने क्या क्या काम किया है, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको विजिलेंस यूनिट्स एंड मिनिस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होगा, ठीक है, वो उस मतलब डिपार्टमेंट के विजिलेंस डिवीजन को हेड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी में, कस्टम्स में, सब में एक विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, वो उस डिपार्टमेंट के विजिलेंस रिलेटेड काम को देखेगा। तो उस डिपार्टमेंट में जो विजिलेंस का काम हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बीच में कौन काम करेगा, यही चीफ विजिलेंस ऑफिसर काम करेगा। यही चीफ विजिलेंस ऑफिसर उस ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बीच का लिंक होगा। यानी अगर सीबीआई या सीबीसी को उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पता करनी हो, विजिलेंस रिलेटेड कोई भी काम के बारे में पता करना हो, तो सीधे किससे बात करेगा, उसी चीफ विजिलेंस ऑफिसर से बात करेगा। और उस चीफ विजिलेंस ऑफिसर का काम क्या होगा फ्रेंड्स, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस हैं, इंटेलिजेंस के केसेस है, उसको देखेगा। फिर अगर किसी करप्शन के बारे में पता चलता है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिपोर्ट करेगा वो। अगर कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने किसी भी उस डिपार्टमेंट के सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई एक्शन फाइल किया, केस फाइल किया, तो उसकी प्रॉपर स्टडी करेगा वो। और जहाँ पे उस चीफ विजिलेंस ऑफिसर को लगता है कि कोई मैटर चीफ विजिलेंस कमिश्नर को हमको बताना चाहिए जिस पे हम कुछ एडवाइस दे सके ताकि काम और अच्छा हो सके, तो ये काम भी करेगा आपका ये सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड आपको मैंने सब बातें बता दी हैं फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकें, कमेंट्स के थ्रू बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा तेज़ है तो एक बार और सुनिए वीडियो को, आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, गुड बाय।